खबर दिल्ली से है, जहां सरकार का विमानन कंपनियों को निर्देश, लॉकडाउन में बुक कराए गए हवाई टिकट का पूरा पैसा लौटाने का यह निर्देश दिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी किया परामर्श पत्र, विमानन कंपनियों को 3 सप्ताह में ये पैसा लौटाना होगा। आपको बता दें कि अभी रिफंड के बजाय टिकट के बराबर कीमत के वाउचर ये विमानन कंपनियां दे रही हैं। निजी विमानन कंपनियों ने लॉकडाउन खत्म होने के पहले ही बुकिंग शुरू कर दी। वहीं लॉकडाउन बढ़ने के कारण हवाई परिवहन अभी तक शुरू नहीं हो पा रहा है। सरकार का यहां पर विमानन कंपनियों को यहां पर निर्देश उन्होंने दिया, लॉकडाउन में बुक कराए गए हवाई टिकट का पैसा लौटाने का निर्देश दिया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने परामर्श पत्र इस पर जारी किया, विमानन कंपनियों को 3 सप्ताह में ये पैसा लौटाना होगा। सरकार के द्वारा ये निर्देश दिया गया। लॉकडाउन के बढ़ने के कारण अब चूंकि विमानन कंपनियां अपने परिवहन को शुरू नहीं कर पा रही, उसी के अंतर्गत ये एक निर्देश एक और लिया गया सरकार के द्वारा, आगामी 3 सप्ताह में ये पैसा लौटाना होगा। लॉकडाउन बढ़ने के कारण हवाई परिवहन फिलहाल शुरू नहीं हो पाएगा, सरकार का विमानन कंपनियों को यह निर्देश। लॉकडाउन में बुक कराए गए हवाई टिकट्स का पूरा पैसा लौटाना होगा। आपको बता दें कि फिलहाल वाउचर के माध्यम से यह पैसा लौटाने की प्रक्रिया विमानन कंपनियां कर रही है। उड्डयन मंत्रालय ने अब ये निर्देश जारी कर दिए कि पैसे के रूप में ही सारी जो धनराशि है उसको यहां पर उन लोगों को लौटाया जाए जिन्होंने अपने टिकट्स लॉकडाउन के पहले या फिर इस अवधि में बुक कराए थे। सरकार ने विमानन कंपनियों को निर्देश देकर यह साफ कर दिया है कि आगामी 3 सप्ताह के भीतर हवाई टिकट जो बुक कराए गए लॉकडाउन की अवधि से पहले या उसके भीतर, उन सभी का किराया यहां पर, उन सभी के जो पैसे हैं वो वापस से लौटाए जाए, वाउचर के रूप में नहीं धनराशि के रूप में इन्हें लौटाया जाए। अभी रिफंड के बजाय टिकट के बराबर कीमत पर ये वाउचर विमानन कंपनियां दे रही हैं। लॉकडाउन बढ़ने के कारण ये वापस से हवाई परिवहन शुरू नहीं हो पाया, उससे पहले विमानन कंपनियों ने यह आशंका करते हुए कि परिवहन यहां पर फिर से शुरू कर लिया जाएगा, लोगों ने यहां पर अपनी टिकट्स बुक कराई और उन्हीं टिकट्स के रिफंड के तौर पर अब पैसे उन्हें लौटाने होंगे। फिलहाल वाउचर प्रक्रिया के माध्यम से ये धनराशि लौटाई जा रही है, लेकिन अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यह साफ कर दिया कि विमानन कंपनियों को पैसा यहां पर लौटाना जल्द ही पूरा करना पड़ेगा। 3 सप्ताह का यहां पर समय दिया गया। लॉकडाउन में बुक कराए गए हवाई टिकट्स का ये पैसा होगा। लॉकडाउन में जितने भी टिकट्स यहां पर बुक कराए गए उन्हीं की धनराशि को लौटाए जाने का फरमान सुनाया है सरकार ने। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने यहां पर ये निर्देश दिए, सभी नागरिक जिन्होंने लॉकडाउन की अवधि के भीतर और लॉकडाउन से आसपास की अवधि जो थे दिन उनके भीतर यहां पर अपने अपने टिकट्स बुक कराए, उन सभी को यहां पर रिफंड जल्द ही कर दिया जाए। उनका अमाउंट जितने भी धनराशि है, आगामी 3 सप्ताह का यहां पर समय दिया गया है। सरकार ने विमानन कंपनियों को निर्देश देते हुए ये साफ कर दिया है कि जल्द ही धनराशि उन लोगों को लौटा दी जाए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस पर एक परामर्श पत्र भी जारी किया, विमानन कंपनियों को 3 सप्ताह में ये पैसा लौटाना होगा। 3 सप्ताह की अवधि फिलहाल यहां पर रखी गई है। फिलहाल जो विमानन कंपनियां कर रही है वो ये कर रही है कि रिफंड के टिकट कि जो अमाउंट है उस टिकट के ही मिलता जुलता यहां पर वाउचर लोगों को दे रही है, लेकिन यहां पर पैसे देने का निर्देश अब सरकार ने विमानन कंपनीज को दिया है 3 सप्ताह के समय के साथ।